नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें उतरे तो कई लोग पर कोई वापस नहीं निकल पाया। तो इस राज को जानने के लिए यह वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो आइए जानते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट अरबों एकड़ में फैला है, जहाज तक कोई नहीं पहुंचा है। रहस्य से भरी इस जंगल की विशालता इस बात से लगती है कि ये 9 देशों के बॉर्डर से लगा है। वैसे तो आप अमेज़न के जंगल के कई रहस्यों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम आपको अमेज़न के एक ऐसी रहस्यमय नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको जानकर सोचने पर मजबूर कर देगी। जहां इस जंगल के अंदर एक ऐसी नदी है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। इस रहस्यमय नदी की खोज भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने 2011 में की थी। मयंतु याकू नामक इस नदी की खोज की कहानी बड़ी दिलचस्प है, जिसके बारे में आंद्रे रूजो ने बताया है। दरअसल बचपन में ही रूजो ने ऐसी काल्पनिक नदियों की कहानियां सुनी थी जो उन्हें आश्चर्य से भर देती थी, लेकिन तब उन्होंने इस बात की बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसी नदी सच में होती है, जहां पर पशु पक्षियों और पेड़ पौधे की ऐसी प्रजातियां हैं जिसके बारे में हमें अंदाजा तक नहीं है। वहीं इस अमेज़न के जंगल में पेरूस लगा हुआ एक नदी है जो लगातार उबलते रहती है। वैज्ञानिक इसे दुनिया का सबसे बड़ा थर्मल रिवर मान रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नदी के उबलने के पीछे क्या वजह है। यह नदी लगभग 4 मील तक फैली है। इस नदी के आसपास पेरू की जनजातियों की बसाहट है जो इस नदी को पवित्र मानते हैं और इसे स्थानीय भाषा में मयंतु याकू कहते हैं। आंद्रे ने बताया कि नदी का पानी खासा गर्म है, अगर उसमें उंगलियां डाल दी जाए तो 1 सेकंड के भीतर 3 डिग्री बर्न हो सकती है। यह नदी काफी लंबी है। रूजो के मुताबिक इसका पानी इतना गर्म है कि आप इसमें चाय तक बना सकते हैं। आंद्रे ने अपने सामने कई जानवरों को नदी में गिरते और उबलते हुए देखा है। उन्होंने इस नदी के बारे में एक पुस्तक भी लिखी है, द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर। इस नदी से करीब 70 किलोमीटर दूरी पर एक ज्वालामुखी है। ऐसे में ज्वालामुखी के कारण तो नदी का पानी नहीं उबल रहा। फिलहाल इस नदी को समझने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें यहाँ रहने वाले जन समुदाय को जोड़ा गया है और यहाँ आने वाले पर्यटन करने वाले सैलानियों को खासा बताया जाता है कि वे इस नदी में कुछ फेंके नहीं और ना ही कुछ नुकसान पहुँचाए और ना ही तैरने की कोशिश करें, क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान वाले इस पानी में कोई भी सेकंडों में जल सकता है। रूजो ने अपने पुस्तक द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेज़न इस पुस्तक में उन्होंने इस नदी के रहस्यों के बारे में बताया है। उनके मुताबिक यह नदी प्राकृतिक आश्चर्य है जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा है। इसके बारे में वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक यह बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि यह पानी क्यों उबल रहा है। तो दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। ऐसी वीडियो के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।